लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि भले ही आपके हमारे घर की बिजली चली जाए, परंतु बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। भले ही पूरे शहर में बिजली ना आ रही हो, परंतु रेलवे में 24/7 बिजली आती रहती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल रेलवे को जो बिजली मिलती है वो सीधे पावर ग्रिड से आती है। ग्रिड पर बिजली पावर प्लांट से आती है। ग्रिड के द्वारा उसे सबस्टेशंस पर भेजा जाता है। इन्हीं सबस्टेशन से डायरेक्ट 132 केवी की सप्लाई रेलवे को दी जाती है। इसी कारण से रेलवे के किनारे अक्सर सबस्टेशंस भी दिखाई देते हैं। इसी सप्लाई को OHE द्वारा इंजन को दिया जाता है। सीधे पावर ग्रिड से सप्लाई आने के कारण ये कभी ट्रिप नहीं होते हैं। अगर कभी कोई लाइन बंद भी हो जाए तो दूसरे ग्रिड से सप्लाई को चालू कर दिया जाता है। वहीं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने रेलवे के लिए अपना पहला 6000 हॉर्स पावर विद्युत इंजन तैयार किया है। रेलवे बोर्ड के सदस्य घनश्याम सिंह ने भेल निर्मित इंजन को उसके झांसी कारखाने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। BHEL की ओर से तैयार किए गए इस इंजन की खूबी है कि इस इंजन में ब्रेक लगने पर अपने आप बिजली पैदा होती है। इस बिजली को तत्काल प्रयोग भी किया जा सकता है और चाहे तो इसे इंजन के ओवरहेड वायर के जरिए ग्रिड को भी भेजा जा सकता है। इस तरह के इंजनों से रेलवे की बिजली की खपत में काफी कमी आने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड ने भेल को ऐसे 30 विद्युत इंजनों का बड़ा ऑर्डर दिया है।